नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे आज का दिन का जो फर्स्ट क्वालिफायर खेला जाएगा यूरोपियन क्रिकेट लीग का, आज का दिन का सेकेंड मैच उसके बारे में। मैच होगा DCCBYR। टॉप थ्री दो टीम है दोस्तों करेंटली लीग स्टैंडिंग में। दोनों ने फोर फोर मैचेस खेल चुके हैं, चार चार मैचेस में तीन तीन मैच दोनों टीम ने विन किया। दोनों का अगर लीग स्टैंडिंग देखोगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट बराबर पे हैं, क्योंकि दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेला है। इन दोनों के बीच इससे पहले जो दोस्तों इनके डोमेस्टिक मैच हुआ था, और बोल सकते हो डोमेस्टिक नहीं लीग के मैचेस हुए थे, उसमें DCC ने 143 रन बनाया था 10 ओवर में, बहुत ज़्यादा होता है। बट वो BYR ने ना 9.3 ओवर में चेस कर गया था। उसका रिकॉर्ड भी मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। ध्यान से वीडियो अगर आप ध्यान से अंत तक देखोगे तो आपको वीडियो पसंद भी आएगा और इन्फॉर्मेटिव होगा, ताकि आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों की भी टीम्स क्रिएट कर पाओ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम, क्योंकि जो अपडेट्स एंड डेमो टीम होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में टॉप में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी टॉप में आपको पिन का ब्लू कलर का लिंक मिल जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक से डाउनलोड नहीं दोस्तों, ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आते हैं इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। 6 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, 100 रन आसपास है। देखो यार, 143 जो है ना वो चेस हो गया, तो दोस्तों डेफिनेटली 100 के आसपास रन बहुत इजीली चेस होगा। बट 120 के क्रॉस जब होता है ना, आइडियली मुश्किल होता है। अब तक 10 मैचेस हुआ है इस टूर्नामेंट में, 5 बैट फर्स्ट ने विन किया और 5 बार चेजिंग टीम ने विन किया है टूर्नामेंट में। क्लियर वेदर रहना चाहिए, बारिश नहीं होगा, बैटिंग फ्रेंडली, शॉर्ट बाउंड्रीज है। BYR से ध्यान देना दोस्तों, इनका जो बैटिंग यूनिट है ना, लास्ट टाइम जो चेस कर गया था उसका रीज़न क्या था पता है आपको? अहमद मुमताज। सोचो 28 बॉल में 83 रन बनाया था अहमद मुमताज ने, इससे ज़्यादा आपको पिटाई क्या चाहिए। और वो अकेले ऑलमोस्ट मैच से ना ड्रिल कर गया था, मतलब ऑलमोस्ट अकेले दोस्तों मैच जीता गया था। एक्स्ट्रास भी आए थे उस मैच में 13 रन का। बट मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये जो टीम है इस बंदे के ऊपर बैटिंग से डिपेंडेंट है। ठीक है, 83 रन का जो नॉक दिख रहा है इसी टीम के अगेंस्ट था ओपोनेंट में, और लास्ट मैच में ये बंदा 2 विकेट भी निकाला, तो वेरी वेरी सेफ एज कैप्टन वाइस कैप्टन। टीम में बाई डिफॉल्ट पिक वीर गली को रखना पड़ेगा, विकी और बैटिंग से पॉइंट देंगे। कासिम मोहम्मद फिलहाल हिटिंग करा रहा है, असलम मोहम्मद सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है इस टीम का। दो प्लेयर तो एकदम से मस्ट मुझे दिख रहे हैं, 1 और 2, तीसरा मेरे हिसाब से वीर गली रहेगा और चौथा कासिम मोहम्मद। ये 4 प्लेयर इस टीम से इंपॉर्टेंट है। पांचवा अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो जहर पीक है एस फसी लकीस, अगर बॉलिंग सेकंड होता है तो भी वेरी डिसेंट, हर मैच में इनका विकेट है। और अगर आपको 6th पिक लेना है या फिर टीम इनके फेवर में वन साइडेड टीम बनाना है तो इसको ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, खास करके अगर डेथ में किया। अब तक बहुत ज़्यादा ओवर डेथ में इस बंदे ने नहीं किया, बट अगर किया तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2-17-0, 2-20-1, 2-28-1, 2-16-0, बेसिकली रन खर्चा करते नहीं है। और पकाई कैर स्पेन का दोस्तों प्लेयर है, तो थोड़े से बेटर होंगे कंपेयर टू अदर फॉर दिस टीम। अपनी बॉलिंग एफ अजीम अजीम अहमद मुर्ताज और एस वसीलकीस, डेथ में कौन कराएगा? एस वकीलकीस मतलब स्पाइडन वसीलकीस अहमद मुमताज बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पाइडन ने लास्ट मैच में 2 ओवर डेथ में किया था। बेसिकली ये बंदा डेथ में कर रहा है तो इसीलिए इसको विकेट भी गुच्छे में मिलते हैं। ये इस टूर्नामेंट से पहले की रिकॉर्ड है, आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो, अगर न्यू प्लेयर ऐड हुआ तो देख सकते हो। DCC से ध्यान देना, अजबत अली आपको ओपन करते हुए दिखेगा मोहम्मद उमेर के साथ, 1 डाउन अब्दुल शकूर। दोस्तों ये आज का दिन में ना ये जो ग्रुप है ग्रुप ए, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा ECL का। अब नेक्स्ट डे से ग्रुप बी स्टार्ट होंगे, तुरंत स्टार्ट होगा, 5 न्यू टीम रहेगा, तो उसका भी वीडियो और डेमो टीम मैं प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल में। तो चैनल में न्यू हो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, और फॉर फाइनल अपडेट फॉर फ्यूचर अपडेट जरूर से जुड़ जाना आप टेलीग्राम चैनल। DCC से अजमत अली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मैं आपको फर्स्ट डे से एक ही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, मोहम्मद अमीर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बट एज बेटर अजमत अली बेटर है। देखो मोहम्मद अमीर को बॉलिंग नहीं मिला तो बैट्समैन तो बैटिंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अजमत अली भी कर रहा है, बट अजमत अली का परफॉर्मेंस देखो कितना ज़्यादा हाई नोट्स है। मोहम्मद उमेर को वहीं पे बॉल बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस धीरे धीरे से डाउन हो रहा है, 58-49, 13-0, अब इससे नीचे नहीं बनेगा तो इससे ज़्यादा रन बन सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली गो टू पिक अजमत अली। अब्दुल शकूर उसके बाद आएंगे जो हिटिंग कराता है, बेसिकली मैं जब लेता हूँ तो ये बंदा 4 रन करता है,
मैं जब लेता हूँ शायद 6 रन करते हैं, बट जब ड्रॉप करता हूँ 50 करते हैं, थोड़े होते हैं कुछ प्लेयर जो आपको डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। स्टीवन सोलोमन ने लास्ट मैच में विकेट भी निकाला और बैटिंग से भी पॉइंट्स किया। अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है ऐसा कंडीशन में हो सकता है कि इस टीम के कोई बॉलर, इनिशियल बॉलर पिटाई खा जाए, तो इनसे बेहतर डिफरेंशियल अगर बॉलिंग फर्स्ट है स्टीफन सोलोमन से डिफरेंशियल अच्छा खासा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओपोनेंट का भी जितना स्ट्रांग पॉइंट है टॉप 3 है, उसके बाद मुझे लगता है ओपोनेंट भी वीक है और यहाँ पे इनको विकेट मिल सकता है इस मैच में। मजीद नसीरी इंपॉर्टेंट बात है, डेथ में कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं और 2 ओवर कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट पीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। बॉलिंग सेक्शन से अच्छा हिटिंग भी करा लेता है, मंसूर खान ने अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है बंदा, क्योंकि ये भी 1 ओवर पीछे डालते हैं, बट 1 ओवर पावर प्ले में जो डालता है उसमें अगर बहुत ज़्यादा पिटाई हो गया तो ओवर इनके कट भी हो सकते हैं। किसका? मंसूर खान का। उमर खान 2 ओवर डालने वाले बॉलर, शफीउल्लाह नियाज़ी बाई डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, शफीउल्लाह हर मैच में इनके पास विकेट भी है। उमर खान देखोगे इस मैच में ग्रैंड लीग पिक है, क्योंकि ओपोनेंट टीम का जो वीकनेस है वो इनका मिडल ऑर्डर, एंड ये अगर मिडल ऑर्डर में 2 ओवर डाला एटलीस्ट एक तो जरूर डालेगा, तो वहाँ पर इनको विकेट मिल सकते हैं दोस्तों। अपनी बॉलिंग मंसूर, नियाजी, उमर खान, डेथ में कौन कराएगा? मंसूर कराएगा, नियाजी कराएगा और सोलोमोन कराएगा। मैं इसीलिए ये नाम आपको रिपीट कर रहा हूँ, सोलोमोन अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है एक शानदार डिफेंशियल पिक, जो लोअर ऑर्डर हिटिंग साथ ही साथ एक अच्छे बॉलिंग फॉर्म में दोस्तों, और 1 ओवर डाल रहे थे अब तक, अगर इनके ओपोनेंट ने पावर प्ले में पिटाई कर दिया तो इनको ना बॉलिंग देगा टीम, और ये कब करेंगे? पीछे करेंगे जब शायद वीक बैट्समैन बैटिंग करे, और यहाँ पे इनको 1 से 2 विकेट बहुत इजीली मिल सकता है। अगर 2 ओवर डाला तो 2, अगर 1 ओवर डाला तो 1 विकेट। ये इस टूर्नामेंट से पहले के परफॉर्मेंस है जो मोहम्मद उमेर है, इन्होंने T10 में इससे पहले 6 मैच में 127 11 ओवर में 2 विकेट बॉलिंग कराता था, अभी नहीं करा रहा है। बट अजमत अली का देखो 6 मैच में 167, कितना ज़्यादा रन है, 33 का एवरेज है, 4 ओवर 1 विकेट, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है दोस्तों, जर्मनी के लिए भी अभी रिप्रेजेंट ही करते हैं। उमर खान हो गया 6 मैच 11 ओवर में 6 विकेट, अच्छा बॉलर है इस मैच में, इस सीरीज़ में खराब परफॉर्मेंस है इनका, बट डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। मंसूर खान 6 मैच में 11 ओवर में 4 विकेट। नीचे से कुछ प्लेयर है दोस्तों, परवेज अकुदाता अगर खेलता है तो आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा, ये इससे पहले 1-2 मैच खेला जहाँ पे दोनों मैच में 2-2 विकेट निकाला, बट लास्ट मैच में इनका ओवर कंप्लीट नहीं कराया गया था। DCC डोमेस्टिक लीग 2022 में अजमत अली का परफॉर्मेंस देखना सबसे ज़्यादा विद बैट है, सेकेंड हाइस्ट रन गेटर मोहम्मद उमेर रहेंगे। बॉलिंग से उमर उस्मान इस मैच में डिफेंशियल साबित हो सकता है, 23 मैच में 40 विकेट था। मजीद नसीरी का 23 मैच में था 34 विकेट और शफीउल्लाह नियाज़ी का 23 मैच में 27 विकेट। चलते हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में दोस्तों, फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम। अगर हमें कोई रिस्क लेना है तो मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पे ही रिस्क लेना पड़ेगा किसी एक को ड्रॉप रोटेट करने का, मुझे लगता है कि बॉलिंग फर्स्ट में असलम बेटर है, बैटिंग फर्स्ट में कासिम बेटर है। रेस्ट यू कैन डिसाइड, असलम दोनों कंडीशन में बॉलिंग करेगा बट बॉलिंग फर्स्ट, ये कैप्टन है तो कहीं भी बॉलिंग कर लेगा। सोलोमोन बॉलिंग फर्स्ट मेरे हिसाब से कमाल का डिफेंशियल पिक होना चाहिए आपके लिए। अब्दुल शकूर हमारे पास, उमर है, अहमद मुमताज़ है, कैप्टन वाइस कैप्टन अजमत अली जो सिर्फ बैटिंग कराएगा, एम निसेरी, एस नियाजी हमारे पास, विसिलकिस है। दोस्तों फिलहाल तो मैंने ये टीम क्रिएट किया बट ये मेरा डेफिनेटली फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर न्यू खेला, अच्छा प्लेयर खेला, उसका रिकॉर्ड भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड पर्सनली भी मैं उसको अपनी टीम में रखने वाला हूँ, रेदर देन उनका सिलेक्शन जो भी हो, ज़्यादा हो या कम हो। तो चलो मिलते हैं दोस्तों हम लोग टेलीग्राम चैनल में थोड़ी देर बाद मैच टाइम के साथ। थैंक यू गाइस।